हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो यार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सैमरक्स यूट्यूब चैनल पे। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब से आप अनलिमिटेड एफएफ टोकन यार ले सकते हैं। तो चलते हैं यार वॉल्ट में और दिखाता हूं मैं मेरे पास कितने एफएफ टोकन्स हैं। तो आते हैं वॉल्ट में सिंपली और यार यहाँ पे आपको अदर्स में जानी होगी। अदर्स में जैसे ही जाइएगा देख सकते हो मेरे पास 680 एफएफ टोकन है और यार मैंने तुरंत ही अभी कलेक्ट किया था। कैसे आप इतने आप भी और मेरे पास यार 2 मैजिक क्यूब्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार पहले एफएफ टोकन की बात करते हैं और आने वाले दिनों में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने 2 मैजिक क्यूब कैसे निकाले तो उसकी भी वीडियो प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आप चाहते हो इसकी वीडियो तो यार कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 680 एफएफ टोकन है। मैं एफएफ टोकन की ही बात कर रहा हूँ इस वीडियो में और यार काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों आप जैसे एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यार पहले तो मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ एफएफ टोकन से आपको पहले प्रूफ करने के लिए कि ये नकली नहीं है, ये एकदम असली वीडियो है। तो देख सकते हो 680 एफएफ टोकन से और मैं ये चीज़ खरीद लूँगा। पहले तो मैं खरीद लेता हूँ स्वाड वाली और देख सकते हो मैं जैसे ही करूँगा तो ये हो गई परचेज। तो यार स्वाड मैंने ले ली है। तो देख सकते हो स्वाड फिश इसकी नेम है और मैं इसे क्विक इक्विप कर देता हूँ। तो ये इक्विप हो गई है और यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे देख सकते हो कॉर्न क्या दिखता है मैक्सिमम कुछ, तो इसे भी मैं ले लेता हूँ। मेरे पास अभी 480 एफएफ टोकन्स और है और आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेगा एफएफ टोकन से। तो यार मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खोल रखी है एफएफ टोकन से। तो देख सकते हो जितने भी मेरे पास ऑन वाली चीज़ें सभी एफएफ टोकन की से खोली गई है। तो इतने सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी खोल रखा है एफएफ टोकन से और इसकी अभी कैप तो नहीं खोला। तो यार इतना सारा एफएफ टोकन आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। ये भी मैं क्लेम कर लेता हूँ और इसे भी मैं परचेज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी यार देख सकते हो काफ़ी सारा एफएफ टोकन से अभी भी 280 एफएफ टोकन से। तो यार अब बात करते हैं कि एफएफ टोकन कैसे आपको मिलेगी। तो सबसे पहला जो अभी नया चीज़ से मिल रहा है एफएफ टोकन, तो आप यहाँ पर आइएगा ये मिशन वाले और इसके बाद इवेंट नहीं इसमें नहीं था ये वाला ऑप्शन में आइए। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी मिशन में देखने को मिलेगा आपको तीसरे नंबर पे। एक्टिविटी मिशन पे आपको सिंपली जाना होगा और नीचे आना होगा। तो नीचे आप प्ले गेम विथ ए फ्रेंड्स, तो यार आपको एक गेम अपने फ्रेंड के साथ खेलना होगा और आपको 5 एफएफ टोकन मिल जाएंगे और ये आपको हर दिन मिलेगा, हर दिन चेंज होते रहता है। आपको सिंपली जाना होगा और आपको इस डुओ स्क्वाड लगानी होगी और फ्रेंड्स के साथ खेलना होगा। याद रखना गिलमेट नहीं, फ्रेंड्स के साथ खेलना होगा। तो यार आपको 5 एफएफ टोकन हर दिन मिल जाएंगे अगर आप अपने फ्रेंड के किसी भी फ्रेंड के साथ खेलते हैं तो। तो आप चलते हैं यार दूसरा तरीका है आपको लक रॉयल में आना होगा। लक रॉयल में जैसे ही आइएगा, अभी तो मैं नहीं खेलूँगा यार। तो लक रॉयल में आते हैं और यहाँ पे लक रॉयल में जैसे ही आप आते हो यार तो आपको डायमंड रॉयल वाउचर। तो अगर आपके पास डायमंड रॉयल वाउचर है तो यार सभी एक स्पिन पर आपको 3 एफएफ टोकन मिल जाएंगे और यार अगर आप 5 स्पिन करते हो तो भी आपको 3 ही मिलेंगे। तो यार अगर आपके पास डायमंड रॉयल वाउचर ढेर सारे हैं, मतलब कि 1, 2, 3 है एक से ज़्यादा, तो आप एक दिन में पूरे ना करो, एक दिन में एक ही करना। इससे आपकी जो टोकन से ज़्यादा आपको मिलेगी क्योंकि आप 10 स्पिन करोगे तो मात्र आपको लगभग 16 मिलेंगे। अगर आप 10 दिन में 10 करते तो यार 30 मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाता है ये। तो यार कोशिश करो कि एक दिन में स्पिन ना करके अलग अलग दिनों में स्पिन किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है गोल्ड रॉयल बॉक्स। तो गोल्ड रॉयल में आते हैं तो यहाँ पे आपको भी गोल्ड रॉयल में भी यार वाउचर्स मिलते हैं। देख सकते हो आप अगर आप 10 टोटल करते हैं तो यार आपको 5 मिल जाएंगे, 5 टोटल 5 मिलेंगे एफएफ टोकन। उसके बाद यार आप 15 करते तो 5 मिलेंगे और यार अगर 20 करते हैं तो आपको मिल जाएगी यार सिंपली 10 मिलेंगे और टोटल हो जाएगी 20। तो यार यहाँ पे आपको क्लेम कर लेनी है 20 स्पिन करके। और यार याद रखना है कि आपको ये संडे तक ही करना है क्योंकि ये जो चीज़ है ये मंडे को फिर से रिसेट हो जाती है। देख सकते हो टोटल वीकली स्पिन, तो एक वीक में ही करना है आपको, संडे तक कर देनी है और मंडे को ये रिसेट हो जाती है। तो मंडे को आप संडे तक आपको 20 ही स्पिन करना है, 20 से ज़्यादा नहीं करना है। तो यार काफ़ी लोगों को पता होती है कि ये चीज़ ऐसे मिलती है पर यार बहुत कम ही लोग, अगर जो नए प्लेयर होते हैं उन्हें पता नहीं होती है कि यार संडे तक ये जो वीकली
स्पिन वाला इवेंट है, ये रिसेट हो जाती है, तो आपको मंडे से फिर नया दिखने को मिलेगा। तो संडे तक आप कोशिश करो यार कि 20 स्पिन कर ले, और अगर आप 20 स्पिन कर लिए हैं यार तो कोशिश करो कि आप जो भी आपके पास वाउचर से वो अगले दिन लगाया जाए, उसी दिन मत लगाना, क्योंकि यार अगर आप उसी दिन संडे तक 20 से ज़्यादा भी स्पिन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा FF टोकन नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ना सिर्फ इसमें मिलेगा, आपको दूसरे चीज़ों में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि वेपन रॉयल, तो वेपन रॉयल में भी आपको FF टोकन देखने को मिलेगा, सेम ही है तीनों की, और आपको सभी चीज़ों में FF देख यहाँ पे, तो आपको वेपन वाउचर भी मिल रहा है, तो आपको यहाँ भी सेम ही देखने को मिल रहा है जैसे उसमें मिल रहा था गोल्ड डायमंड रॉयल में, और वेपन रॉयल में भी आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। इनको बेटर वाले में अभी आपको देखने को शायद मिलता हो या नहीं मिलता हो, शायद मिलता है इसमें भी, तो यार इसमें नहीं मिलेगा इंक्यूबेटर में। और लीगेसी रिटर्न, तो लीगेसी रिटर्न का भी सेम सिस्टम है, इसमें भी वैसे ही मिलेगा जैसे कि उसमें मिल रहा था। तो यार ऐसे करके आप बहुत सारे FF टोकन कलेक्ट कर सकते हो, और यार FF टोकन से ना सिर्फ आप अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हो, बल्कि आप डायमंड रोल वाउचर भी खरीद सकते हो यार। FF टोकन से आप डायमंड रोल वाउचर भी खरीद सकते हो, यहाँ पे आपको कैरेक्टर लेवल कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो 6 लेवल की कैरेक्टर लेवल कार्ड है, तो यार काफ़ी अच्छा हो जाता है FF टोकन। तो यार मैं चाहूँ तो अभी खरीद सकता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास 300 और 250 की FF टोकन मिल रही है, और यहाँ पे आपको डायमंड रोल वाउचर भी देखने को मिल जाएगा। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें FF टोकन से आप कलेक्ट कर सकते हो, तो FF टोकन आपको वीकली एक वीक में 20 ही करना है स्पिन, उससे ज़्यादा यार कोशिश करो कि आप स्पिन ना करो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप स्पिन करते हो तो यार आपको FF टोकन नहीं मिलेगा। और फिर से मैं बता दूं कि यार ये संडे तक रहती है, मंडे से लेकर संडे तक, और उसके बाद मंडे से दोबारा से रिसेट हो जाती है। तो यार अगर आप 20 स्पिन कर लेते संडे तक, तो यार मंडे से स्पिन करना, और उसके बाद अगर आप एक दिन में ही 20 स्पिन कंप्लीट कर लेते तो उसके बाद स्पिन मत करना। तो यार इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो से लाइक करना, और यार अगर आपको पता नहीं थी कि यार FF टोकन कैसे कैसे मिलती है, तो यार इस वीडियो को जरूर से लाइक करके यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्री फायर के ऐसे एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बाय।